मोर नाम मंगल सिंह। अच्छा, अभी गांव में का का विकास हुई है? का का मतलब विकास उसका तो जानकारी नहीं मिला, नहीं है। बाकी पीला पाले के डहार के जो गली है ओला सुधार करना है। अच्छा, में का वो है पूरा खोला गया है, पूरा खोला गया है। सीसी रोड रही समय कभी पहले? और रोड तो नहीं बने है, बाकी ऐसी गली मरापत रही। अच्छा, पीलवा पालिका तक दूर है यहाँ से? ये तो 1 किलोमीटर यही आश्रित गांव है। इसी गांव में कितना गांव वाले ग्रामवासी रहते हैं वहाँ लगभग? अब आने जाने में क्या परेशानी होती है उन लोगों को? बहुत दिक्कत है उसमें। बाइक वाइक जाता है, मोटरसाइकिल नहीं? मोटरसाइकिल जाता है, गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो मतलब इसके संबंध में आपने सरपंच जी को कभी कहा कि? बोल रहे हैं लेकिन नहीं कर रहा है। सरपंच जी क्या बोलते हैं? सरपंच जी क्या बोल, देखते हैं चले जाते हैं। अच्छा, आर्डर आया है, बताते हैं। दर्रा वर्रा गिरा देते हैं, सब भागे चला जा रहा है उसको कांग्रेस। अच्छा, मतलब मनरेगा के तहत काम करवा रहे हैं लेकिन ऐसे सीसी रोड या डामरीकरण नहीं बना है। क्या नाम है दादाजी? गुरु सिंह। कहाँ के रहने वाला? यहज के, सिमर के। गाँव में क्या क्या समस्या है वर्तमान में? आओ दे हमरो का के खोलर खोलर बटिया हो है। आओ हमार लात का उम्र हो गए, पेंशन नहीं मिला थे। अच्छा, कतक उम्र हो गए ना? है तो उम्र कतक हो गए ना? अब तो 70-75 हो गई। अच्छा, 70-75 साल हो गए ना। हाँ, तो सरपंच सचिव आवेदन करे है पेंशन पर? करें तो वो आधार कार्ड में उम्र कम लिखा गए है, तो उम्र हमार से नहीं बने कही। अच्छा, कौन सचिव सरपंच हमारे से नहीं सुधरे की? हाँ, हमारे से नहीं सुधरे कहता वाला का करवाओगा, नहीं कह कह बने कही दीता नहीं गा नहीं बने कहे मैं का कर बोला। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है। हाँ हाँ, तो कांग्रेस के कार्यकाल से का का विकास हो? तो खुश है कि नहीं जनता मन यहाँ के? खुश है जो। अच्छा, खुश है नहीं, लेकिन वो पेंशन की एक समस्या है तोरा। हाँ होगा, आप जमेला मिलत है संसार में, तो हमल नहीं मिलत है, तो आप कहा था बोलेगा। एक और सवाल रहे, अभी विधानसभा चुनाव है। हाँ हाँ, वो राजा साहब तो जानत हो गए। हाँ, हमारे जो वर्तमान विधायक है। हाँ हाँ, वो आते कि नहीं गाँव आओ? आते तो भलेगा, कभी गाँव वही से हाल चाल जाने पर जनता मन के बहुत दिन में आते। हाँ, और कौन कौन नेता मन संपर्क करते हैं गाँव में हाल चाल जाने पर? आप कौन कौन ला कहन गाए का कहते? बस बैठा है नौकरा, हमार घर पानी के समस्या है। कौन सा मोहल्ला में? जो पिपरी पाली के सामने में। अच्छा। हमारे गांव के सिमना है, वहीं बैठे हैं। पानी के समस्या है हमार करा। हाँ, तो हमन ला पानी चाहिए। नेता मन के कहा चाल है आसपास में बसना मन के? कौन कौन नेता मन ला जान सकते? बसना के नेता मन ला वो मन ला हम नहीं जानन गा। हाँ, वो तक हमार पौर पहुँच नहीं है, हमन कमाने खाने वाला आन। हाँ, गणपीत एक किसान हस्ते। हाँ, क्या गढ़ खेत है तोर? ज्यादा नहीं गाती, 3 एकड़ है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में का काम होते? गांव में विकास काम होते? कांग्रेस के कार्यकाल से जनता में खुश है? अब का कहोगा, इत तो देखा तो जिसने तो वो लगा वो बना हाथ नहीं निकल छू सरपंच लकाई कही के तो थक गए। अच्छा, का कहते सरपंच साहब? बराबो कथेगा नहीं बन ध्यान दे में। कौन गांव जाते रोड हर? देवरी पाली जाते हैं, देवरी। अच्छा, पीलवा पाली के भीज रोड में आते हैं बसना? हाँ, 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 हाँ। तो कतक क्या का परेशानी होते रोड में आने जाना में? पीछे खराब है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो मेन रोड बन गए कते खराब है, ज्यादा दिक्कत होते। हाँ, वो हमी चुमन पर दिक्कत होते गा, वो मन तो बढ़िया रहेगा थे सरपंच मन मन माना कूदा थे नहीं जी है, वो हमारे छत नहीं बना थे। हाँ, वो अतकी दूर होगा। कौन नेता का माहौल चला थे गाँव में? कौन नेता? काकरो नेता नहीं चला। कहाँ लगा जान दे हमारे गाँव में। कौन कौन नेता जन संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के? फूल छाप वाला उन कौन कौन है? हाथ छाप वाला उन कौन कौन है? उमरा में नहीं जानोगा कला नहीं का। अच्छा, वो तो पता नहीं था, नहीं है। आपका नाम क्या? चैतराम। कहाँ से हो? चिमर के। क्या क्या हो अभी चल रहा है चुनाव का माहौल बताइए थोड़ा? अभी वो चल रहा है गली के देख रहे हैं। हाँ, वो गली के लिए इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, नेता लोग आते हैं गांव में? आते हैं, वो बीच में वो रुक जाते हैं, वो इधर नहीं आते हैं। अच्छा, इधर नहीं आते हैं। हाँ, कौन कौन नेता लोग आए थे गांव में?
एक बार आए थे, सनपत आए थे जी। हाँ, वो इधर नहीं आए थे। अच्छा, विधायक जी को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा, उनका नाम पता नहीं है? कौन है, नहीं जानते हैं? नहीं। राजा है का ना? राजा है वो, देवेंद्र बहादुर का। देवेंद्र बहादुर है वो, है हमारे यहाँ का जी। वो कभी नहीं आता? वो नहीं आता है। अच्छा, और संपत जी क्या किया गांव के लिए, कुछ पता है? वो ऐलान तो किया था। किस चीज का? वो गली को बनवाऊंगा, सबको बनवाऊंगा बोल कर किया था। संपत अग्रवाल किए थे? हाँ हाँ। कैसे कैसे? संपत अग्रवाल एक नंबर वार्ड में भोरपुर में से थे। ठीक है, मोला नहीं देखा। नहीं, नहीं। का नाम है तो? सुरेश कुमार चौहान। यही केस? हाँ, चिमेर केल। अच्छा, तो काकर मोहल चला थे विधानसभा चुनाव में? अभी अभी विधानसभा चुनाव में जो है ना, संपत भैया आए रही। अच्छा, वो बोली से कि मैं करवा दी हूँ कह के, मतलब कि का का परेशानी है मोला बताओ। अच्छा, तो गांव के पंच सरपंच मन जो है लिख के बोला दे रही। अच्छा, तो वार्ड नंबर एक में मतलब कि बोर कोड़ा दी से अपन। हाँ, जाने का ये जो गली है ये मतलब कि जो खराब है, ये में लोग लेकर जाते हैं स्कूल, तो उस गांव पढ़े बार तो मतलब दिक्कत होती है। अच्छा, वहाँ तक बने उकर बाद यार। मोर नाम जगन्ना सिदार। मोर नाम जगन्ना सिदार है। तो अभी क्या क्या चल रहा है गांव में, माहौल किनका चल रहा है? माहौल तो अभी संपत भैया के चलत है। संपत भैया का? गांव में विकास काम कितना हुआ? और गांव में विकास काम तो वही एक बोर खुदाए हैं जो मांग कर रहे तो। वो संपत अग्रवाल जी खुदाए गए? अभी कांग्रेस के कार्यकाल है? कांग्रेस के कार्यकाल में तो ठीक है, लेकिन ये गली हर परेशानी है बस। अच्छा, मुख्य आपका गली है? मुख्य गली, मेन गली है, मेन गली है मुख्य गली। तो गांव में बाकी विकास काम हो गया, बाकी चीजों के लिए आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो अभी क्या लगता है, मतलब कांग्रेस से कौन कौन नेता लोग संपर्क कर रहे हैं, बीजेपी से और कौन कौन है, आपको कुछ पता है? है जो पता। हाँ, बताइए नाम। जैसे डॉक्टर राजा देवेंद्र बहादुर जी, अभी अभी बीच में आए थे यहाँ जी गौठान में। हाँ, रिपा कंपनी का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा जी। और उसके बाद अभी तो नहीं आए हैं। अच्छा, तो कितना विकास हो रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में, आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूरा काम हो रहा है हमारे गांव का। तो आने वाले समय में प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? कांग्रेस की दिखना चाहिए। अच्छा। मेरे तो ठाना है कि कांग्रेस ही आना चाहिए। क्या है, कांग्रेस आ गया मतलब पूरा छत्तीसगढ़ छा गया। अच्छा, तो बसना विधानसभा को कैसे देख रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, मतलब बीजेपी आए की कांग्रेस, यहाँ से फिर आपको क्या लगता है, चुन रहे हैं संपत भैया, यहाँ का क्या माहौल चल रहा है? आप बताए कि संपत भैया का माहौल चल रहा है। संपत भैया का तो माहौल तो चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। उसके बावजूद आप बसना में संपत अग्रवाल जी का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? अब माहौल चल रहा है तो। हाँ, उसका माहौल क्या है? विधानसभा बसना में संपत भैया का ही माहौल चल रहा है। मतलब जीत दिला सकते हैं वो? हाँ, बीजेपी को माहौल पूरा है। नाम फगनी भाई कहाँ रहता? यही रहता सिमर केल में। हाँ, ओकरा मोर माझा खोली में घर है, बना थे घर। अच्छा, पेंशन में मिलता तो लगा छो? 300 मिलते, 300 अब इधर 2-3 महीना नहीं मिला थे। अच्छा, 2-3 महीने। अब 10 करोड़ चाउर मिलते तो मेरे को लग कैसे करूँ? तो उसकी में संतुष्ट नहीं हस्ते? हाँ, 10 करोड़ लग कटक दिन खाई हूँ, 300 रुपया लग आई भी सही हूँ, सुई पानी दे कि क्या करूँ। अच्छा, तो गाँव में 20 रुपया होगी। हाँ हाँ, महंगाई का दे। हाँ, क्या क्या समस्या है गाँव में बता? नहीं जानोगा हम रोड के बारे में? क्या रोड के बारे में? हमारे गौरा चौक ठन ले ही फाल के मन बात नहीं करे के, वही पार के मन बात करी नहीं भगवान है करे हो पढ़े हो? मैं पढ़े नहीं हूँ, देर काले जानी हूँ, आँखें फूट गए, दांत टूट गए, नहीं गा। हाँ, अब का बेटा मन हो नहीं कर तो। हाँ, तो ते का कहत हस्ते बता? मैं का कहूँगा, रोड बन जाए कहत हस? हाँ, ये रोड बन जाए, हफ्ता जात हूँ बाबा। अच्छा, संजा भी ना आता। अच्छा, और आदमी वाले भी परेशानी होते? हाँ, सबे जीन ला। हाँ, हमारी पारा के नहीं होई, वो गौरा चौक ठले हमारे पानी नहीं मिलत के। पानी भी नहीं मिलत? हाँ, नहीं मिलत के पानी, कल ही हो जात हन। नल नहीं लगे है? लगे है, तले नहीं गिरे, एक जगह गिरा थे मुंह खोल में, तहां बस नल में आते। बोरिंग नहीं है? हे बोरिंग तो गौरा चौक पर नहीं चलत के, बोरिंग है नहीं चलत है। हाँ, नहीं चलत के। और वो लगाए के नहीं बोर खुदाए के नहीं? ये अंगनी कोड़ाए के बोर नहीं खुदाए? तो पानी कहां ले पीथस तहां ते? ओई इकरा एक घर गिरथे कन्हिया भे पानी ती में झोकथन। अच्छा, सभी नहीं तो ये दे मन मनाते हैं पानी। अच्छा, तरई ला जाते हैं पानी ये दे। अच्छा, तरई के पानी लगा करथस?
बोरे पर बटकी लोटा अच्छा, बोर चालीस के लिए बोर कर लेते हैं। हाँ, मतलब बर्तन वर्तन साफ करे बर तालाब के पानी उपयोग करते हैं और पिए बर्तन कोई भी खोदते हैं चुहा नहीं बोरी नहीं बोरिंग नहीं है सब बोरिंग न ठाए है। सरपंच का वो कहे है नहीं कहे के बाबा हम काला का बोआ तीता तो कहते कहते हैं हमारे तो संसार घर द्वारे कहते हम कोड़ा बो जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य क्या है? नीलांचल सेवा समिति का गठन 16 जनवरी 2018 में हुआ है। जब से लेके आज तक पूरे क्षेत्र में हमेशा नर सेवा नारायण सेवा मानव सेवा ही माधव सेवा है उस परिकल्पना को साकार करते हुए हमेशा बहुत सारे कार्यक्रम कराते रहते हैं और पिछले साल भी सेवा समर्पण यात्रा निकाले थे। अभी सबका कहना था एक बार आइए तो अलग अलग गांव में जाता इससे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल के 16 जनवरी में 25,000 हमारी बहनों ने कलश यात्रा निकाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। उनको प्रशस्ति पत्र देना था। कीर्तन दल के भाइयों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उनको प्रशस्ति पत्र देना था। हमारे युवा खिलाड़ियों का सम्मान करना था। गांव-गांव के होनहार बच्चों का सम्मान करना है और यहाँ के सम्माननीय नागरिकों का सम्मान वो सब करने के लिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ। क्षेत्र की जनता से आपको काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है आपको क्षेत्र की जनता आपको विधायक के तौर पर देखना चाहती है? तो मेरे बिना बोले ही क्षेत्र की जनता हमारा नेता कैसा हो करके आवाज मारने लगती है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करने लग जाती है। तो सब के सब इस बार सत्ता का परिवर्तन चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहे हैं और विधायक के रूप में जनता मुझे आशीर्वाद देना चाह रही है। अब पार्टी मुझे आशीर्वाद दे तो पूरे 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से और जीत के हम आएंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ? कांग्रेस का कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ सिवाय भ्रष्टाचार के, विकास के एक भी कार्य नहीं हुए हैं। गोठान के नाम से नहीं कहीं चारा है न गाय है न कुछ है। शराबबंदी का संकल्प लिए थे, शराबबंदी तो हुई नहीं बल्कि शराब की गंगा बहा दी गई। हमारे गांव-गांव की महिलाएं त्रस्त हैं शराबबंदी होना चाहिए करके। ऐसे बहुत सारे कोई भी विकास कार्य के नाम से कुछ भी नहीं हुआ है। गाँव की सब सड़कें जर्जर हैं, स्कूल जर्जर है। कहीं भी जनप्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र में तो कभी आते ना जाते नहीं। खेत कुमार प्रसाद। कौन से गांव से है? चिमरखेल। आज आपके गांव में संपत अग्रवाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा थी, इसके बारे में बताएं कैसा था ये कार्यक्रम? जनताओं के विकास के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए जनताओं से मुलाकात किए हैं और अच्छा व्यवहार दे करके चर्चा किए हैं।